नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक बाबा में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर आई है, जैसे कि इंद्रेश, इंदु, इंदुमती, इंद्रकमल, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम आई अक्षर से शुरू होता है। तो उन सभी लोगों के साथ साल 2021 में क्या होगा? इस वर्ष में आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन होने वाला है? अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को आप सुनते रहें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, बेसिक बाबा को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और इस वीडियो के नीचे ओम श्री गणेशाय नमः कमेंट कर दें। दोस्तों, कमेंट करने के बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ शिवजी के एक श्लोक के बारे में। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कभी कोई संकट आए तो इस श्लोक का, इस मंत्र का आप जाप करें, आपका जीवन शानदार हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपके साल 2021 का अनोखा टोटका है, जिस टोटके को अगर आप आजमा लेते हो तो पूरे वर्ष में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका पारिवारिक जीवन। दोस्तों, साल 2021 आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत में आपके घर परिवार का माहौल खराब रहेगा, यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में आपके घर वालों के साथ आपका संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। शुरुआती महीने में आपके घर परिवार का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। आपके घर में सभी लोग तनाव में रहने वाले हैं और इस वजह से पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन घर परिवार का माहौल सामान्य हो जाएगा मार्च के महीने के बाद से, और पूरे वर्ष में पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर सबसे अच्छा वक्त देखा जाए तो जून का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस महीने में आपके घर परिवार का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर से सेप्टेम्बर के बाद का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से खराब हो जाएगा। और सितंबर के बाद आपके घर परिवार का माहौल खराब होगा, क्योंकि इसी बीच में मंगल का गोचर होने वाला है। मंगल के गोचर के बाद आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपके घर परिवार के लोग परेशान हो जाएंगे। तो अपने परिवार के माहौल को, अपने घर वालों को आप खुश करने का प्रयास करें और इस पूरे वर्ष में साल का शुरुआत और साल का मध्य आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से काफी ज्यादा खराब रहेगा। इसके बाद है आपका वैवाहिक जीवन। तो वैवाहिक जीवन भी 2021 में ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। इस वर्ष में केतु और मंगल के वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध खराब होगा, और केतु और मंगल के वजह से आपके वैवाहिक जीवन में आपको प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी और आप दोनों के संबंध में दूरियां, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा होने वाला है। परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, साल 2021 में गुरु बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे और मंगल व केतु के ऊपर ये अकेले हावी रहने वाले हैं, और बृहस्पति के वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। इसके बाद है आपका प्रेम संबंध। है दोस्तों, साल 2021 में
प्रेमी जातकों को उनके प्रेम संबंध में प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। इस वर्ष में अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका को समझने में आप गलती करने वाले हैं और इसी कारण से आप दोनों में नोक झोंक बहस काफी ज्यादा होगा। इस वर्ष में अपने प्रेम संबंध पे जो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे उनका प्रेम संबंध खत्म हो जाएगा, परंतु जो लोग विश्वास करेंगे उनके प्रेम संबंध में भी संकटों का सामना उन्हें काफी ज्यादा करना पड़ेगा। इस पूरे वर्ष में आपके प्रेम संबंध के लिहाज से अगर सबसे अच्छा वक्त देखा जाए तो सितंबर और मई का महीना आपके प्रेम संबंध के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं आपके करियर के बारे में। दोस्तों, करियर और नौकरी के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप में से जो भी लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को साल 2021 में काफ़ी ज़्यादा उपहार मिलेगा। इस वर्ष में आपके कामकाज से आपके बॉस, आपके सीनियर काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे और वो आपके पद में, आपके सैलरी में वृद्धि करेंगे और इस वजह से नौकरी के लिहाज से आपका समय शानदार हो जाएगा। परंतु आप में से जो भी लोग व्यापारी हैं, जिन लोगों का खुद का काम धंधा है, उन लोगों को साल के शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष के शुरुआत में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपका कामकाज खराब रहेगा, लेकिन अप्रैल के महीने से लेकर सितंबर के महीने के बीच का समय आपके कामकाज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वर्ष में शनिदेव की कृपा से आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा आएगा, आपका कामकाज काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से 2021 आपके लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष में राहु और केतु के वजह से आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इस वर्ष में आपको नेत्र विकार, कमर, जंघा और पेट से संबंधित समस्याओं का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि आप में से जो भी लोग विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उन सभी लोगों के साथ साल 2021 में क्या होगा। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य तौर पे सही रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत में पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता मिलेगा, लेकिन साल के मध्य में आपके पढ़ाई लिखाई में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप में से जो भी लोग छात्र हैं वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। अगर आप पढ़ाई में ध्यान देते हो तो आपका ग्रह, आपका भाग्य, आपका पूरा साथ देगा। इस वर्ष के शुरुआत में यानी कि जनवरी का महीना आपके पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके बाद आपको परिश्रम, मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा शॉर्टकट में और अब बात करते हैं पूरे विस्तार से हर एक बिंदु पे कि आने वाले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या होगा। तो सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिहाज से 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सावधान करने वाला समय है, क्योंकि इस वर्ष में छाया ग्रह राहु और केतु आपकी राशि के प्रथम भाव में और सप्तम भाव में रहने वाला है और इस वजह से आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसके अलावा इस वर्ष के शुरुआत में जहां मंगल देव आपकी राशि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे, वहीं सूर्य और बुध देव भी आपकी राशि के अष्टम भाव में विराजमान होंगे और इन ग्रहों के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए साल 2021 में अपने रहन सहन का, अपने खान पान का आप पूरा ध्यान रखें ताकि आपका स्वास्थ्य खराब हो। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो अपना इलाज आप खुद से बिल्कुल भी ना करें, आप डॉक्टर से मिलें, उनसे इलाज करवाएं ताकि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो सके।
वैसे अप्रैल और मई का महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन 2 महीनों में आपका स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देने वाला है। अगर अप्रैल और मई से पहले आप बीमार थे तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस महीने में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। लेकिन दोस्तों, साल 2021 के शुरुआत की बात की जाए तो फरवरी और मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर नहीं रहेगा। इस महीने में आप सावधान रहें, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, तैलीय पदार्थ का सेवन करने से आप बचने का प्रयास करें। अगर आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है, तो आने वाले वक्त में आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और परेशानी का सामना आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। दोस्तों, प्रेम संबंध के लिहाज से 2021 आपके लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष में कभी कभी आप दोनों का प्रेम संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत और बेहतर हो जाएगा, और कभी कभी कुछ ऐसे मौके आएंगे जब आप दोनों के तालमेल में कमी होगी और आपका प्रेम संबंध कमज़ोर हो जाएगा। इस वर्ष में लगभग पूरे वर्ष में आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका के साथ किसी न किसी बात को लेकर आपका मतभेद होगा, लेकिन आप मतभेद करने का प्रयास बिल्कुल भी न करें, अन्यथा आपका प्रेम संबंध कमजोर हो जाएगा और इस वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वर्ष में आपके प्रेम संबंध की वजह से आपको मानसिक तनाव का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके प्रेम संबंध के वजह से आपके जीवन में इस वर्ष में समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। साल 2021 में अपने प्रेम संबंध में आप सामाजिक बंधन को तोड़ने से बचने का प्रयास करें, अन्यथा इस वजह से आने वाले वक्त में आपको परेशानी काफ़ी ज़्यादा होगी। इस पूरे वर्ष में प्रेम संबंध के लिहाज से सबसे अच्छा वक्त अगर देखा जाए तो सितंबर और मई का महीना काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन 2 महीनों में आपका प्रेम संबंध बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। आप में से बहुत से लोग इस वर्ष में प्रेम विवाह करने वाले हैं और अपने प्रेमी और अपने प्रेमिका के साथ अपने प्रेम संबंध को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि साल 2021 में किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, उपाय ये है कि इस वर्ष में आप सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला हीरा पहनने का प्रयास करें, और अगर हीरा पहनने में आप सक्षम नहीं हैं तो इसका उपरत्न यानी कि ओपल, इसका उपरत्न यानी कि ओपल, इसे आप पहन लें, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो के नीचे आप जय बजरंगबली कमेंट कर दें और बेसिक बाबा को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।